हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने देख ही लिया होगा मेरी लुक से, आई एम सिटिंग गेटिंग द हेयर कट। अभी तो वॉश हुआ है, वॉश के बाद उन्होंने ब्रश करके कहा है कि ये आप देख लें कि वाकई आपके बाल कितने डैमेज हैं, एंड वी गोना हैव टू कट अ लॉट ऑफ इट। एंड आई सेड इट्स कम्प्लीटली फाइन, प्लीज़ काट दें, सब काट दें, मेरे बस बाल ठीक कर दें। मैं ब्रश कर करके आई गेट टायर्ड। कल मैंने उसामा से कहा, उसामा आप मेरे बाल ब्रश कर दो, और लिटरली वो भी बेचारा ब्रश कर करके तक बेगम बाकी इसको कटवा लें। एंड देन अभी द गर्ल वाज ब्रशिंग माय हेयर, शी पुट ऑयल ऑन, शी पुट आई डोंट नो व्हाट ऑल ऑन, एंड स्टिल दिस इज द स्टेट इन वेट हेयर। सो ये सब कटेगा, ये शादी आ गई, इज द एक्सपर्ट, ये काटेगी सब सब गंदा जला हुआ बाल कटेगा। शादी बहुत डैमेज है ना, वो भी ब्रश करते हुए भी कह रही थी कि बहुत ही खराब हो, वेरी सैड। काश ऐसे ब्लो ड्रायर हमसे घर पे भी हो जाते, भी ना हो, नहीं खूबसूरत ब्लो ड्रायर। वाह, इतनी कोई निकली भी नहीं है लेंथ वैसे, यहाँ तक वैसे नहीं करती तो है, लेकिन इतनी नहीं हुई कि बहुत ही लगे। वाह ब्यूटीफुल, कोई जान तो आई है बालों में, सर हल्का हो गया उसकी अभी भी, लेकिन शादी देखो यहाँ फंस रहे हैं ना ये, फिर भी कहाँ, ये फिर भी ये बाद में कटिंग, ये भी ये थोड़ा सा आप टाइम करिए ना, क्योंकि एकदम से फिर लेंथ बहुत छोटा हो जाता, फिर उसके बाद we're at June for the first day of their brunch and breakfast menu. और हमने पहली चीज़ obviously क्या order किया है, our beloved nachos. And I'm quite excited to try them. I want the jalapeno. Mm. ख्वातीन और हज़रात, ये देखें ये रेनबो बना है, ऊपर से गायब हुआ, ऊपर क्यों नहीं आ रहा, बिल्कुल ये आ रही है, ये थोड़ा सा राइट पे हो जाए, आप थोड़ा सा राइट होंगी तो ख्वातीन और हजरात को नजर आ जाएगा। ओह वाओ, इस साइड पे बहुत ज्यादा प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड इन दिस 2 मिनट इंट्रो के मैंने अपने बाल काट लिए हैं, ये यहाँ तक होते थे, ये अब यहाँ आ गए हैं। अभी भी मेरा दिल है कि मैं इनको यहाँ ले आऊँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे, पहले थोड़ा सा मैं यूज्ड टू हो जाऊँ इसके, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। कलर अभी नहीं मैं कर सकती क्योंकि मैं अपने बालों को हील करना चाहती हूँ। एज़ यू कैन सी मैंने हीट भी नहीं लगाई, सॉरी, दैट इज़ माई माइक्रोवेव, मेरा खाना गर्म हो, बुलेट हटे, तो हीट भी नहीं लगाई, तो हम बम फटे पालों से काम चलाएँगे आइंदा के बाद। आज बने हैं जी मेरे फेवरेट काले चने और चावल, सो वो गर्म हो रहे थे, मैंने कहा ज़रा जल्दी से जाने से पहले खा लिया जाए खाना, एनर्जी थोड़ी बनाए। आई एम बैक आफ्टर 5 days गाइज, आई नीडेड अ ब्रेक, आई वॉज हैविंग अ फ्यू इशूज़, जस्ट हेल्थ ऑल दैट जैज यू नो। एनी वे, आज मेरा एक बहुत क्यूट सा पार्सल आया, एक्चुअली मैंने मामा के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन वो उन्होंने गलती से यहाँ डिलीवर कर दिया, क्योंकि मैं इस पेज से अक्सर चीज़ें मंगाती हूँ, तो मैं भी उनको दूसरा एड्रेस बताना भूल गई और वो भी पूछना भूल गई। सो बेसिकली इट्स एन इंसेंस बर्नर दैट लुक्स लाइक अ ग्रैंडमा, एंड देन आई बॉट द मैचिंग ग्रैंडपा विद इट, सो दिस इज़ द ग्रैंडपा, और इनके नीचे ना वुडन बेस है, और वो साथ उन्होंने इंसेंस, जिनको नहीं समझ आ रहा, खुशबू, मैं दिखाती हूँ, लकड़ी होती है खुशबू वाली बेसिकली ऐसे, फिर इसको बर्न करते हैं, ऊपर कवर रख देते हैं, धुआं निकलता रहता है, तो ये जो नानो है ना, ये जो ग्रैंडमा है, इनका ये जो मुंह में सुराख है, इससे ये धुआं निकलता रहेगा और वो अंदर बर्न होता रहेगा और खुशबू आती रहेगी अच्छी सी खूबसूरत सी। और साथ ही मैंने एक बुक भी ख़रीदी है कॉल्ड बुटीक बेकिंग, इट्स अ गॉर्जियस बुक, तो ये भी आज डिलीवर होगी, बहुत ही गॉर्जियस बुक है, इसमें बहुत सारी मज़े की बेकिंग की रेसिपीज़ हैं और डेकोरेशन की वो हैं, सो ये भी एक्सपेरिमेंटेशन हम करेंगे।
बेसिकली बस यही आया है। ये भी आया है? ये क्या है? सलाद। सलाद मेरे पास था और सलाद भी आ गया गाइस। ठीक है, तो आप खाना खाएं। हाँ, अब मैं चेंज करूँ और फिर हम चलें। ओके, तो अब मैं खाना खाऊं। अब मैं खाना खाऊं, सामान चेंज, मैंने मेकअप भी कर लिया, कपड़े भी बदल लिए, बाल भी सुखा लिए, अभी तक ये चेंज। आप अभी खाना खा रही हैं? मैंने खाना भी खा लिया, मैंने बुलेट को वॉक भी करा लिया, मैं चेंज कर रहा हूं। हां, ये भी है, ये भी है। तो खैर गाइस, हेयर कट अभी थोड़ा ना ऑब्वियसली बिल्कुल ब्रांड न्यू है तो समझ भी नहीं आ रहा, तो प्लीज़ ज़रा क्रिटिसाइज ना ही कीजिएगा, थोड़ा इसको मुझे यूज़ टू होने में, स्टाइल करने में टाइम लगेगा। बट एनीवे, मैं तब तक ज़रा जल्दी से खाना खा लूँ, सामान तैयार हो जाए, उसके बाद हमने दो तीन आज काम करने हैं और टाइम बहुत कम है, तो फिर चलते हैं आपके साथ लेके चलते हैं। टाइम बहुत कम है बाबू, सीरियसली बहुत कम है। चलें गाइस, मैं जल्दी से जब तक खाना। ये मेरी खाने की प्लेट और साथ नमकों का चाट मसाला ना हो तो फिर क्या ही मज़ा, ये डल गया। अच्छा, मैं आप लोगों को फ्रंट से भी दिखा दूँ, ये देखें, दिस इज़ द बुक पेगी पोशिन बेकिंग बुटीक, और वो इट्स लाइक, एक तो कवर इतना खूबसूरत है, ऊपर से अंदर से इतना खूबसूरत है, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ रेसिपीज, एंड यू गाइस नो आई लव कुक बुक्स, एंड देन लेट मी शो यू द फ्रंट ऑफ दीज गाइस। सो ओए ओए, इन कपड़ों पे ना लग जाए खाना। बेसिकली ये ऐसे हैं, दिस इज ग्रैंडपा एंड दैट्स ग्रैंडमा, और ये अंदर इसके वो इंसेंस होती है, इसको आग से चला लेते हैं और फिर ये इनके मुंह से धुआं निकलता रहेगा। ऑब्वियसली ये दो अलग अलग जगहों के लिए, एक साथ नहीं, आपने दोनों लगा लेने, बट या ये मैंने मामा के घर के लिए ऑर्डर किए थे और ये गलती से यहाँ डिलीवर हो गए हैं, तो अब या ऑल्सो दिस इज, ऊपसी, दिस इज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, ये मैंने थ्रिफ्ट किया है ऑनलाइन, एक पेज था थ्रिफ्ट का, उससे। दिस इज़ बेसिकली अ यांकी कैंडल का कैंडल कवर, सो जो बड़ा वाला यांकी कैंडल होता है ना, वो मेरे पास है, मेरा पैक हुए हुए पड़े, लेकिन वो मैं अभी निकालूंगी थोड़े दिन में। तो ये उस कैंडल के ऊपर यूँ रख देते हैं और इससे रोशनी भी इंक्रीज़ हो जाती है और इससे खुशबू भी ज़्यादा फैलती है। सो दिस इज़ ऑल्सो सिरेमिक एंड इट इज़ स्टनिंग। तो ये भी आ गया है, इसको भी इधर रखते हैं ध्यान से, ये टूट ही ना जाए, ये देयर यू गो, एंड दैट्स माई ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, दैट्स माई बुक, ये आज की थी मेरी शॉपिंग डिलीवरी। ठीक है जी, ये है मेरा खाना, जल्दी से अब मैं खाना खाऊँ, इससे पहले सामान तैयार होकर निकल गए। आप तैयार रेडी नहीं? रेडी तो मैं खैर हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी मैं अच्छी लग रही हूँ, ब्यूटीफुल। I just kid when I say that, guys, you know it. Anyway, I'm wearing this ethnic corset. ठीक है, इसका इस्त्री का बहुत ही प्रॉब्लम है, ये देखें इतनी क्रीस बनाई, इस्त्री किया सब किया, लेकिन ये एक मिनट में ऐसे हो जाता है, पर इट्स ओके, इट्स अ कैजुअल आउटफिट, व्हाटएवर। दिस इज़ द हेयर, और ये इधर तक हैं, ये यहाँ तक थे पहले, ये अब यहाँ आ गए हैं, बट इट्स ओके, ये कटना बहुत ज़रूरी था आज, मुझे लिटरली 5 मिनट लगे हैं बाल कंघी करने में, सो इट्स वर्थ इट। ऑब्वियसली मैंने हीट नहीं लगाई, सिर्फ हल्का सा ब्लो ड्रायर मारा था बस, दैट्स इट। तो ये बहुत फूले फूले हैं, एज यू कैन सी कि ये बहुत फूले हुए हैं, बट आई डोंट वांट टू अप्लाई हीट ऑन माय हेयर गाइस, सो आई एम जस्ट गोना लेट इट बी लाइक दैट। जब ये अंदर से यहाँ से सूख जाएंगे ना अच्छी तरह, तो मैं फिर क्लिप लगा लूँगी इनको वैसे भी, सो या। तो खैर, अब हम खाना खा लें, फिर आपको मिलते हैं। ओके यू गाइस, हम लोग निकल गए हैं एंड वी आर अ बिट लेट, थैंक्स टू मिस्टर उसामा, क्योंकि उसामा को नहाना होता है, क्रिस्प शलवार कमीज पहननी होती है, फिर बाल खड़े होकर बनाने होते हैं। हम भी अब कहीं जा रहे हैं तो आपको कम से कम प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, तो टाइमली लग गए ना प्रेजेंटेबल आप। खैर गाइस, वी हैव टू गो टू गीगा मॉल, बेसिकली वहाँ पे एक स्टोर है व्हिच आई रियली वांट टू शो यू गाइस, इट्स कॉल्ड क्यूमास, QUMAS, ठीक है, QUMAS, इंस्टाग्राम पे भी होगा, बट आई डोंट थिंक इंस्टाग्राम पे उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ लगाया हुआ है। तो वहाँ वो स्टोर है गीगा मॉल के अंदर, थर्ड फ्लोर के ऊपर, तो वहाँ मैंने जाना है आज, ठीक है। आई वॉन्ट टू पिक अप अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम देयर, आई वॉन्ट टू शो यू गाइज ऑल्सो, इट्स काइंड ऑफ लाइक इंडस हेरिटेज काइंड ऑफ काम है उनका, लेकिन आई थिंक अ लिटल बिट मोर अफोर्डेबल देन इंडस, इवन दो इंडस हेरिटेज भी काफ़ी अफोर्डेबल है फॉर वट दे प्रोवाइड, लेकिन ये भी मैंने सुना है कि इस तरह का है, तो मैंने सोचा है कि चलते हैं वहाँ, वहाँ से जाके कुछ शॉपिंग करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, और कुछ गीगा मॉल में नजर आया तो वो भी। उसके बाद मैंने नभा के घर जाना है, क्योंकि आज माशाल्लाह से उसकी बेटी का अकीका हुआ है सुबह, तो उसका डिनर है। उसामा तो ऐसे तैयार है जैसे उसामा ही उस अकीका के चीफ गेस्ट हैं माशाल्लाह, मैं तो बिल्कुल कैजुअल कपड़ों में, आज मेरा बिल्कुल गाइस ऑनेस्टली दिल भी नहीं था तैयार श्यार होने का, लेकिन एक आप लोगों के लिए, एक वो स्टोर वालों के लिए, क्योंकि मैंने उनसे कमिटमेंट की हुई थी कि मैं उठ के आऊँगी, तो मैं थोड़ा सा जितना तैयार हो सकी हूँ मैं हो गई हूँ। सो आज हम आज हम इसी तरह हर जगह जाएंगे, सो या ठीक है, अब हम रास्ते में हैं, हम थोड़ा आराम से वहाँ पहुँच जाएँ, फिर आपको गीगा मॉल का बाकी मॉल दिखाऊंगे। गाइस, वी हैव रीच द मॉल, और आज शुक्र है हमें पार्किंग भी बिल्कुल सामने की एंट्रेंस है, यहाँ हमें पार्किंग मिल गई है। आइसक्रीम, कौन सी आइसक्रीम खानी है? ये बुखार हो रहा है ना, मेरा हाथ गर्म हो रहा है। चलो खा लो आइसक्रीम, खा लो, खाएंगे। मैं तो आपको पता, आई डोंट लाइक
आज ये बातिक भी देख लें सा, कब कितना दफ़ा मैंने बोला है बातिक का। एनीवे गाइस, ये हम गीगा मॉल आ चुके हैं, एंटर होते हैं फिर आपको मज़ीद दिखाते हैं। ओके गाइस, दिस इज़ द स्टोर, ठीक है, और ये पूरा हैंडीक्राफ्ट्स वाला, ये साथ ये वाली दुकान है सामने, मतलब बेसिकली ये सिनीप्लेक्स की एंट्रेंस है, यहाँ पर ये स्टोर है, ठीक है। सो इनके पास बहुत ज़्यादा ये इस तरह का भी है काम, इस तरह का। एंड देन द बेस्ट पार्ट इज़ कि उनके पास इंडस हेरिटेज के भी बहुत ज़्यादा कपड़े हैं डिस्प्ले पे, जो कि आपको बहुत अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल जाते हैं। और फिर उनके पास ये ब्लॉक प्रिंट वाले भी बहुत मज़े मज़े के हैं। हाँ, मैं पीछे करती हूँ एक मिनट, ये देखें पूरे प्रॉपर सूट भी हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, और ये भी बड़े मज़े की लड़कों की, अगर आपने मैचिंग वेस्ट कोट करनी है, साथ काफ्तान भी हैं, ये गाउन भी हैं, ये गाउन भी बड़े मज़े का है वैसे। हाँ, और बड़ा अच्छा डबल लाइन, ये देखें वेरी नाइस। और इनके पास लाइक ये अनस्टिच्ड वाले हैं ना, है ना, अनस्टिच्ड टू पीस, ठीक है, जस्ट दुपट्टा आई थिंक शॉल। हाँ, ग्रीन, हाँ ग्रीन भी बहुत ही प्यारा है, सारे ही बड़े खूबसूरत। ठीक है, ये गाइस साड़ी सेक्शन है, ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत है। मैंने जो ली है वो इसके अंदर पैक्ड है, वो आपको मैं घर जाके खोल के दिखाऊंगी, बट दे हैव अ लॉट ऑफ रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लैक, ब्लैक बेस, देन देयर इज ब्लू एंड वाइट, ये फिश वाली भी बहुत क्यूट है, देन देयर इज द ग्रीन, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं, तो ये आप स्टोर पर आके देख लो। एंड देन दे हैव टेबल मैट्स, इनफैक्ट मम्मा अगर आप देख रही हैं तो आप भी बता दें कौन सा वाला आपको इसमें से अच्छे लग रहे हैं, वो फिर मैं यहाँ से पिक कर लूँगी। ये भी बड़े मज़े के हैं, ओवरऑल लाइक इट्स अ वेरी नाइस स्टोर, स्पेशली अगर आप लोग कोई बाहर रहते हो या बाहर जा रहे हो तो ये गिफ्ट्स देने के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे ब्लू पॉटरी भी है, ये हैं, अगर आप सारी अपने बैच के लिए स्टोल्स मैचिंग ले जाएं तो आप हर किसी के लिए, ये वेस्टर्न टॉप्स के ऊपर दे कैन वेयर दिस। सो ओवरऑल आई थिंक वेरी क्यूट स्टफ, दे इवन हैव कुशंस, लॉट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। हाँ, ओ अच्छा, लवली, हाँ ये भी है और ये ऊपर भी, ओ हाउ वंडरफुल, ज़बरदस्त। गाइस, वी फाउंड एन ओल्ड बुक स्टोर इनसाइड गीगा मॉल, डिड एनी ऑफ यू नो दैट? ऊपर सिनीप्लेक्स के सामने ये बुक स्टॉल है जिसपे दे हैव ओल्ड बुक्स, हाउ फैंटास्टिक, आई हैड नो आइडिया। तो अब मैं यहाँ से बुक्स ढूंढ रही हूँ, इट्स रन बाय वेरी ओल्ड अंकल, ही सिटिंग ओवर देयर, तो मैंने कहा चलो एटलीस्ट वी शुड बाय समथिंग, उनकी दुआएं ले लें। इंग्लिश नॉवल्स ओनली फॉर 100 rupees, हाउ वंडरफुल इज़ दैट। ओके यू गाइस, अब हम नीचे वाले फ्लोर पे आ गए हैं, क्यूमास से हमने साड़ी पिकअप कर ली थी, उसके बाद हम एक बुक स्टोर रुक गए, अब हम जा रहे हैं खाड़ी होम, क्योंकि और कहीं पे इस वक्त वाकई में कुछ भी नहीं है वर्थ शोइंग यू। मैं 2-3 स्टोर में गई बट इट वाज़ नथिंग वर्थ शोइंग, सो आई थॉट टाइम ज़ाया क्या ही करूँ मैं, आपका भी और अपना भी, तो उनसे निकल आए हैं, अब खाड़ी होम जा रहे हैं। खाड़ी होम में अगर कुछ मिलता है तो आपको दिखाती हूँ, और साथ उसके लाइम लाइट है, बट आई अगेन लाइम लाइट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, सो लेट्स सी वट वी फाइंड वट वी डू। बाहर से ओवरव्यू देख लें लाइम लाइन का, ये लाइम लाइट का ये आया हुआ है आजकल, वैसे दिस ब्लू इज नॉट बैड, नॉट दिस, दैट वन, दिस इज ऑल्सो क्यूट, बट फिलहाल ज़रा खाड़ी होम से हो लेते हैं फिर आएंगे कपड़ों की तरफ। सर ये भी बातें की है बट ये आई थिंक ब्राइडल स्टूडियो है, हाँ ये ब्राइडल, इंटरेस्टिंग। ये देखें इधर मार्बल ट्रेस पड़े, ये बड़ा अच्छा मार्बल ट्री है, बट नभा अगर तुम देख रही हो या जहा अगर तुम देख रही हो, मैं तुम लोगों से ही लूंगी, नहीं खरीदूंगी मैं ये, उन्हीं का मार्बल ट्री लूंगी मैं, देखना। ये कैंडल्स बंद करती है? नहीं, आगे बंद हो गई, होती नहीं हमेशा। दिस इज नाइस, इवन दिस इज रियली रियली नाइस क्विल्ट, लवली। हाँ, ओके गाइस, नाउ वी आर एट डॉकर्स, क्योंकि उसामा के लिए पैंट्स खरीदनी है, तो पसंद की ये वाली अल्टीमेट चीनो जो होती है, अब ही इज़ गॉन टू ट्राई इट, लेट्स सी। मेरा तो ये बैग है, मैं ये लेके खड़ी हूँ, अब वो ट्राई करके निकलता है तो पता चलता है कि सही आ रही है कि नहीं। लिटरली गाइज, आज कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, और जहाँ पे कुछ होता है वहाँ वो रिकॉर्डिंग नहीं करने देते, एज यूजुअल खाड़ी वॉज नॉट ओके विद रिकॉर्डिंग, आई विल नेवर अंडरस्टैंड वाई। अब मैं एथनिक जा रही हूँ कि एथनिक देख लूँ, उसामा अभी तक डॉक्टर्स पर अपनी पैंट्स वगैरह ट्राई कर रहे हैं, लड़कों को बड़ा टाइम लगता है यार शॉपिंग करने में, लेकिन इन लोगों की फिटिंग्स वगैरह हैव टू बी प्रॉपर, सो ही इज ट्राइंग हिज पैंट्स। मैंने कहा मैं तब तक एथनिक से हो लेती हूँ, क्योंकि फिर आगे नभा के घर भी पहुँचना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो लेट्स गो सी व्हाट एथनिक हैज़ टू ऑफर, एंड देन उसके बाद बस फिर निकलते हैं। आज मेरा कोई मॉल शॉपिंग डे नहीं था, आई जस्ट हैड टू कम टू क्यूमास, लेकिन मैंने कहा आ गई हूँ तो स्टोर्स चेक कर लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ अगर कुछ इंटरेस्टिंग है, अभी तक तो 0/0, बट लेट्स सी। मैंने ये टी शर्ट पिक की है बिकॉज़ आई हैव अ शूट फॉर ब्लिसफुल टुमारो, and we need pastel color shoots, shirts, even though I have
डिफरेंट ब्लू वन कल के लिए, बट मैं एक बैकअप पिंक भी खरीद रही हूँ जस्ट इन केस. एंड देन आई रियली लाइक अ फ्यू ड्रेसेस, जैसे ये बहुत मुझे अच्छा लगा, ये ब्लैक वाला विद लेस ऊपर एंड देन कॉटन नीचे. एक मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, वेरी वेरी नाइस. और इनकी लेंथ भी बिल्कुल मॉडस्ट है. तो अगर ये वाइट भी बड़ा ही प्यारा है, लेकिन ये थोड़ा हॉस्पिटल गाउन टाइप वाइब्स दे रहा है. एक मिनट, हाँ ये ज़रा हॉस्पिटल गाउन वाइब्स नहीं दे रहा वैसे, नहीं क्यूट लग रहा है ये भी, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा हॉस्पिटल वाइब्स है, सो नेवर माइंड. एक मुझे ऑनलाइन और बड़ा अच्छा लगा था, मैं ढूंढती हूँ. ये भी बहुत नाइस है, बट ये ज़रा ज़्यादा ही महंगा. दिस इज़ अराउंड 8,000, बट ऑब्वियसली इस पर बहुत डिटेलिंग है, बट आई डू रियली लाइक द ब्लैक वन. एक ये भी है फुल बटन डाउन टाइप. मुझे ये रफल्स वाली, इनकी लिनन शर्ट्स भी बड़ी अच्छी लग रही है. इनके पास सॉलिड लाइक वाइट में भी है और इसमें ये ग्रे से कलर में भी है. ये कलर तो खैर मामा देखते साथ कहेंगी मरे हुए चूहे का रंग है, सो आई डोंट नो मरा हुआ क्यों होता है, वो जिंदा भी हो सकता है, बट मामा कहती है मरा हुआ चूहा है. बट इस तरह के वाइट में भी है उस रफल टॉप में. एक ये ग्रीन भी है, खाकी ग्रीन टाइप. उसामा भी नहीं पहुंचा अभी तक. ये बड़ा स्मार्ट है वैसे, फॉर आपा वुड लाइक दिस. और है कल के लिए वैसे ये भी हो सकता है, अगर मैं टी शर्ट ना लूँ और मैं उसकी जगह ये ले लूँ. ये भी बड़ी स्मार्ट शर्ट है वैसे, बट आई डोंट नो, पिंक कलर शायद किसी ने पिक कर लिया क्योंकि मैंने ब्लू पिक. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का. हमारे पास इतना प्यारा बारिश बरस रही है और इतना प्यारा मौसम हुआ है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. देखें आसमान जो है ना वो भरा हुआ है बादलों से, और अभी इसने काफ़ी देर तक बरसना है. और मेरे माशाल्लाह से लॉन को इतना अच्छा पानी मिलता जा रहा है, और इसकी वजह से मेरा लॉन भी ग्रीन हो जाएगा, और ये जो मेरी डक्स है ना ये भी इंजॉय कर रही हैं इस बारिश को. ये देखें, ये ना मेरे सारे प्लांट्स गर्मी की वजह से मुरझाए हुए थे, ये बारिश जो है ना अब इनमें जान डाल देगी. और ये मैं एक बांस बंधवा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा ये जो ग्रीन वाला कपड़ा है ना ये लटक लटक के बिल्कुल नीचे आ गया था, तो मैंने कहा कि चलें इसके ऊपर बांस बंधवा के और फिर इसके ऊपर मैं ये इसके साथ इसको टाई करती हूँ, तो फिर ये थोड़ा सा ऊंचा रहेगा. और मेरे जो प्लांट्स हैं वो माशाल्लाह से आज जो है ना उनको तो सही मज़ा आ रहा है बारिश में नहाने का. देखिए कितनी तेज़ बारिश है. उफ़ल्ला, चाय के साथ पकौड़े खाने चाहिए. और मेरा तो ख्याल दिल कर रहा है कि मैं ख़ुद भी जाके ना बारिश में नहाना शुरू कर दूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है बारिश में नहाने. और बस मैं और कुछ नहीं तो जाके बस खड़ी हो जाती हूँ आराम से बारिश में, और खूब मज़े से नहाती रहती हूँ. किसके साथ लड़ाइयाँ करके आई हो तौफी? किसके साथ? बर्डी आ रही है तौफी के पास, बर्डी आ रही है खेलने के लिए. ये शी सो हैप्पी कि अभी अपनी टेल को देखें कैसे वैग कर रही है. तौफी को क्या बातों हो गई थी? हे हेलो जी, इट इज़ द नेक्स्ट डे. ये मेरी वो साड़ी है जो मैंने मॉल से पिकअप की थी, ठीक है. एंड देन आई वांटेड टू शो यू गाइस द रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स दैट आर ऑल पैक्ड अप इन देयर प्लास्टिक बैग्स विद द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पर्सन हु बॉट देम. और ये सारे मैंने इस तरह से पैक करके रेडी करके रख दिए हैं. ये अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में इनको मेल आउट करने. आई एम वेरी सैड टू पार्ट विद माय क्लोथ्स, लेकिन अलमारी भर चुकी थी. आई डिडंट वांट कि कपड़े अंदर पड़े रहें और वो हों. तो मैंने आप लोगों को बताया था मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे क्लोज़ेट सेल करती हूँ. ये एक एक दफ़ा पहने हुए होते हैं, कुछ पे टैग्स अभी तक लगे हुए हैं, वो इन बेचारों का मौका ही नहीं आता पहनने का. So I had to sell most of these and of course in very less prices. ये मेरा एक ड्रेस है, बहुत ही मेरा फेवरेट ड्रेस. I wore this literally for 2 hours. This I wore for 15 minutes for a shoot and then I didn't wear it. This I had worn for 2 hours, this pink top. And then ये मैं उल्टे कर रही हूँ क्योंकि ऊपर लोगों के एड्रेसेस लिखे हैं. ये मेरा एक दामन का बहुत खूबसूरत सूट है, मैंने एक दफ़ा पहना है टोटल. ये मेरा एक क्रॉस स्टिच का बहुत खूबसूरत सूट है, मैंने एक दफ़ा पहना है बेयरली. ये मेरा एक इलान का सूट है. एंड ऑनेस्टली इस सूट को मुझे देते हुए सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, बट इट्स ओके. देन दिस इज़ वन ऑफ माई कुर्ताज़ फ्रॉम माई शादी का टाइम. ये इंडिया से मामा ने मंगाया था, बहुत खूबसूरत था ये देखें. It was a beautiful one, but I'm letting it go now. This is a very, very, very beautiful Tanavana suit, green. Then this is a green dress.
देन दिस इज़ माय ज़ाहा का सलवार कमीज, आप लोगों को याद होगा ये मैंने इस ईद पे बनवाया है विद ऑल दिस लेस ऑल द डिटेलिंग, और मुझे इतना महंगा पड़ा था ड्रेस मंगाना इसको सिलवाना सब कुछ, बट मैंने नहीं ये पहने जाते उस तरह से, सो आई हैड टू सेल आई सोल्ड मोस्ट ऑफ देम। सो आई होप ये अपने नए घरों में ये सारे कपड़े बहुत खुश रहे, अब निकलते हैं इनको जाके मेल करा के आते हैं। ओके जी गाइज, ये था आज का व्लॉग, मैं कुछ पता नहीं क्या ही लग रही हूँ, घर के हालतों में हूँ बट काफ़ी मैचिंग हूँ फिर भी गाइज। एनीवे ये था आज का व्लॉग, मैं टीसीएस सारे कपड़े करके आ चुकी हूँ, एवरीथिंग नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू चिल रिलैक्स मेक सम कॉफी प्रॉब्ली एंड दैट्स अबाउट इट। सो आज के लिए इतना ही, आई होप यू गाइज एंजॉय द व्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट इंस्टाग्राम पे फॉलो, आई विल सी यू अगेन, तब तक के लिए बाय।